सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास एफएससी पार्ट वन चैप्टर नंबर वन और टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल एटम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं मॉलिक्यूल क्या है। हम कह रहे थे कि एटम की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि एटम इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मैटर के छोटे टुकड़े होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मॉलिक्यूल भी मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन फर्क यह है कि मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन एग्जिस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है। इस तरह के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम, मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास है H2, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अगर इस तरह होता तो ये हाइड्रोजन का एटम था, अकेले होता तो ये एटम। अब यहां पे दो हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे हैं तो ये मॉलिक्यूल है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि यह हाइड्रोजन का जो एटम है ये इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं रह सकता, इसलिए यह मॉलिक्यूल बना के रहता है। जैसे ये दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2 की शक्ल में है, ये रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता। लेकिन इस H2 को देखें तो H2 जो है वो अकेले इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार रख सकता है। आपको हाइड्रोजन जहां भी मिलेगा वो एटॉमिक एटम हाइड्रोजन की शक्ल में नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन H2 की शक्ल में आपको जो है वो मिलेगा। तो इसलिए मॉलिक्यूल भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। और भी मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं, जैसे H2O एक पानी का मॉलिक्यूल है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, जैसे NO3 नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है, सो ऑन बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ये सारे अपना इंडिपेंडेंटली आजादाना वजूद बरकरार रख सकते हैं, एटम्स आजादाना वजूद बरकरार नहीं रह सकते, रख सकते इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को हम मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम करते हैं। एक चीज है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या है? एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की जो तादाद होती है उसे हम उसका एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे इधर देखें ग्लूकोज, इसमें कितने एटम हैं? 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं और 6 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 24 है। 6 और 12, 18 और 6, 24। HNO3 को देखें, इसमें हम क्योंकि एटॉमिसिटी क्या है कि एटम्स की तादाद है, मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, कितने हो गए? 1 और 1, 2 और 3, 5, इसकी एटॉमिसिटी 5 है। इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 2 और 1 सल्फर, 3, 3 और 4, 7, इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 7 है। इसकी एटॉमिसिटी 3 है, इसकी एटॉमिसिटी 3 है और H2 की एटॉमिसिटी जो है वो 2 है। अब एटॉमिसिटी क्या हुआ? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एटम्स की जो तादाद होती है उसे हम उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। तो एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिए हैं, एग्जांपल जो है, फॉर एग्जांपल एटॉमिसिटी ऑफ H2O इज 3, CO2 इज 3, H2SO4 इज 7 और जो ग्लूकोज है उसकी एटॉमिसिटी है 24, C6H12O6 इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 24 है, सो ऑन। अच्छा जी, अब इस एटॉमिसिटी की बेस पे हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं। उनमें से सबसे पहले जो है वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब मोनो का मतलब है एक, मोनो का मतलब है एक, एटॉमिक का मतलब एटम मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हैं उनको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हैं? जी हाँ, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस को एटम भी समझा जाता है, मॉलिक्यूल भी समझा जा सकता है, बयक वक्त सेम टाइम इनको मॉलिक्यूल एटम दोनों के कैटेगरी में शामिल किया गया है। अब इनके लिए यही डेफिनेशन है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हैं, दी मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम। मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल क्या है इनकी? एग्जांपल्स सारे नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये सारे जो है ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनको मॉलिक्यूल भी समझा जाता है, एटम भी। और उसके बाद है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक, डाई का मतलब है दो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स,
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, वो जो दो एटम्स पर मिलते हैं, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ ओनली, तो हम यही चीजें लिखेंगे, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन की जगह हम क्या लिखेंगे, टू एटम्स, दो एटम्स पर जो मुश्तमिल है उनको हम डाई एटॉमिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल H2 कार्बन मोनोऑक्साइड CO, HCl, तो ये जो है और भी होंगे एग्जांपल्स N2 O2 वगैरह, ये सारे डाई एटॉमिक हैं। इसी तरह से ट्राई एटॉमिक हैं, पोली एटॉमिक हैं, ट्राई एटॉमिक। अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जो तीन एटम पर मुश्तमिल हैं मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई का मतलब है तीन, तो यहाँ पे हम टू की बजाय क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, थ्री एटम्स। और उनकी एग्जांपल्स जो है जैसे H2O, इनकी एग्जांपल है, ये ट्राई एटॉमिक है, इसमें तीन एटम है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। CO2 ट्राई एटॉमिक है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। ओजोन O3 जो है ये ट्राई एटॉमिक है, इसमें तीन के तीन ऑक्सीजन है। उसके बाद है पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पोली एटॉमिक क्या है, पोली का मतलब है ज़्यादा, पोली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनमें बहुत ज़्यादा यानी तीन या चार से ज़्यादा जो एटम पाए जाते हैं तो उनको हम पोली एटॉमिक कहते हैं, यानी इनमें मोर देन फोर या थ्री एटम्स पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल हैं H2SO4, ये पोली एटॉमिक है, देखें इसमें सात एटम हैं। और उसके बाद C6H12O6, इसमें 12 हैं, और इसी तरह से 12 नहीं बल्कि 24 हैं। इसी तरह से C6H6, इसमें बेंजीन है, इसमें 12 जो एटम है, 6 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। एटॉमिसिटी के बेस पे तो हम अगर एलिमेंट को तकसीम करें तो ये क्लासेस हैं। इसके अलावा एलिमेंट को एक और बेस पे भी तकसीम किया जाता है कि उनके एटम एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। अगर एटम एक जैसे होंगे तो उनको कहेंगे होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक, यानी एक ही एलिमेंट के बने हुए हैं, एटम सारे एक ही एलिमेंट के हों, मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स का अगर हमारा मॉलिक्यूल बना हुआ हो तो उसको हम होमो, होमो का मतलब है सेम, होमो एटॉमिक कहते हैं। जैसे H2 दोनों हाइड्रोजन है, O2 दोनों ऑक्सीजन है, O3 तीनों ऑक्सीजन है, N2 दोनों नाइट्रोजन है, P4 चार के चार फास्फोरस हैं, S8 आठ के आठ सल्फर हैं, तो ये होमो एटॉमिक। उसके बाद है हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन हैं जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हो, कोई भी हो सकता है, जैसे ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें देखें तीन किस्म के एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन तीन एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, तो ये हेट्रो हो गया हेट्रोटॉमिक। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीन डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इसलिए ये तीन डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, तो ये भी हेट्रोटॉमिक है। इसी तरह से जो है और भी, जैसे NH3 अमोनिया वगैरह, वाटर खुद H2O, वाटर भी HCl, ये सारे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा जी, फिर मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो साइज़ की बेस पे भी तकसीम करते हैं। अगर हम साइज़ की बेस पे तकसीम करें मॉलिक्यूल्स को, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर हम साइज़ की बेस पे मॉलिक्यूल को तकसीम करें तो हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं, एक माइक्रो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, MACRO मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो का मतलब है छोटा, ये स्मॉलर साइज होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल है ये इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर साइज, जैसे H2O है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, जैसे बेंजीन है C6H6, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब मैक्रो मॉलिक्यूल जो हैं इनके लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसकी मिसालें क्या हैं, जैसे स्टार्च है, ठीक, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन है, और जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ये प्लांट्स में पाई जाती है क्लोरोफिल, ये सारे जो है ये जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आपके चूंकि सिलेबस में हीमोग्लोबिन का थोड़ा जिक्र है तो हम हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी, हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा देख लें कि हीमोग्लोबिन क्या है। बच्चे हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, पाई जाने वाली एक मॉलिक्यूल है रेड ब्लड सेल्स में। हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाई जाती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, RBCs, रेड ब्लड सेल्स में। अब इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर इसका क्या काम है, ऑक्सीजन कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कहाँ कैरी करता है,
और इसको पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, थ्रू आउट दी बॉडी पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ये इसके अंदर आयरन भी मौजूद है, इसके अंदर जो आयरन मौजूद है असल में हीमोग्लोबिन के अंदर, वो आयरन जो है वो इनके साथ कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाता है। इसलिए जब ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर हमेशा आयरन रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की दरअसल कमी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। अच्छा जी, और उसके बाद हीमोग्लोबिन के अगर साइज की बात करें तो हीमोग्लोबिन का जो साइज है वो तकरीबन जो है इस हाइड्रोजन के मास, इसका साइज बहुत बड़ा है। अगर हम मास की बात करें, मास की, साइज की नहीं, मास की बात करें, यहाँ साइज की बात नहीं हो सकती। अगर हम मास की बात करें तो इसका जो मास है वो हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन के एटम से तकरीबन जो है वो 6800 टाइम्स जो है इसका मास जो है हाइड्रोजन की मास से ज़्यादा है, हैवी है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके, सॉरी 6800 नहीं बल्कि 68000 जो है ये हाइड्रोजन से 68000 टाइम्स ज़्यादा हैवी है हीमोग्लोबिन। और उसके बाद अगर इसके हम एटम्स की इसकी बात करें तो इसमें नियरली तकरीबन जो है नियरली 10,000 के करीब इसमें एटम्स होते हैं, 10,000 एटम्स। अब इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 10,000 से के तकरीबन इक्वल है एटॉमिसिटी इसकी, तो इसलिए ये बहुत जेंट बहुत बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन। तो बड़े मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल में भी तकसीम करते हैं।